इससे पहले ये सब देख ले, जल्दी साफ कर देता हूँ उसको। अरे आइए मैडम जी, आइए आइए। देखिए इतना बढ़िया मकान आपको कम रेंट में कहीं नहीं मिलेगा। तीन कमरे हैं इसमें, एक नीचे और दो ऊपर। अटैच बाथरूम है, खुला और हवादार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। घर तो हमें पसंद आया और हम तीन रहेंगे यहाँ पे, मैं, मेरी बहन दीपा और हमारी दोस्त पूजा। अरे बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं, आपके सारे अरेंजमेंट करवा देता हूँ। ठीक है, मगर शिफ्ट होने से पहले एक बार बता दूँ आपको। वो क्या? ऊपर एक दरवाजा है, वो मत खोलिएगा प्लीज। कौन सा दरवाजा? आइए आइए। आइए ये दरवाजा, ये स्टोर रूम का दरवाजा काफी दिनों से बंद है और किसी को पता नहीं किसी ताले की चाबी कहाँ है। क्या है इस दरवाजे के अंदर? होगा मकान मालिक का कुछ पुराना सामान। प्लीज इसको मत खोलिएगा। ठीक है, नहीं खोलेंगे। चले चले। दीदी मैं तो बोल रही हूँ कि अभी डिसाइड कर लेते कि किसको कौन सा रूम मिलेगा, है ना? अभी रुको, अभी रुको, जब हम ये घर में शिफ्ट करेंगे तब डिसाइड करेंगे। और मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है डिसाइड करने का कि कौन सा रूम किसको मिलेगा। कैसा तरीका? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। पूजा, दीपा, मेरे हाथ में तीन चिट्स हैं। ये चिट्स डिसाइड करेंगी कि कौन सा कमरा किसको मिलेगा। जिसके हाथ में जो चिट आए वो कमरा उसका। उठाओ। वाओ दीदी, मुझे बालकनी वाला रूम मिला। मेरे पास अटैच बाथरूम वाला, तो मतलब तुम्हारे पास? हाँ, और मुझे वो लॉक डोर वाला बेकार रूम, मैं क्यों रहूं उस कमरे में? सबको इक्वल चांस मिला था, इट्स ओनली फेयर। और इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं रह लूंगी उस रूम में। चाबी किसकी है और ये आवाज कहां से आ रही थी? इस साइकिल की आवाज कहां से आ रही है?
दरवाजा तो बंद है, फिर अंदर से आवाज कैसे आ रही है? कहीं ये चाबी इस ताले की तो नहीं? घंटी की आवाज यहां से आ रही थी। इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी कर ली ना? जी दीदी, इंटरव्यू देते देते 2 महीने हो गए। कितनी भी तैयारी करो लेकिन कोई जॉब ही नहीं देता। देखना, ये जॉब तुम्हें जरूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, क्या हो रहा है? अरे पूजा, तुम आज ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, अब थोड़े दिन जॉब से ब्रेक लेना चाहती हूँ। शॉपिंग करूंगी, घूमने जाऊंगी, आराम करूंगी, लाइफ एंजॉय करूंगी। तो मैडम, तुम्हारी क्या कोई लॉटरी लगी है जो अपनी जॉब छोड़ के ये सब प्लान कर रही हो? दीपा, जिंदगी में ऐश करने के लिए जरूरी नहीं होता कि कोई लॉटरी ही जीती जाए। समझी मैडम? Thank you.
क्या लाई हूँ। दीपा, रोहिणी। यस पूजा। हाय रोहिणी। हेलो। ये देखो इतने सारे गिफ्ट्स तुम लोगों के लिए। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। देखो देखो। अरे वाह। थैंक यू दीपा। दिस इज फॉर यू बेबी। थैंक यू पूजा। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए? ये शॉपिंग, ये गिफ्ट्स, चक्कर क्या है? रोहिणी तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ओके। दीपा कैसा लगा तुम्हें सब? तुम ये फटी हुई ड्रेस लाई हो मेरे लिए? हाय रोहिणी, ड्रेस मैंने तो ऐसा नहीं खरीदा था। ये जरूर उस शॉपकीपर ने कोई बदमाशी की है मेरे साथ। I'm sorry दीपा, मैं कल तुम्हारे लिए नया गिफ्ट लाऊंगी। पूजा ये देखो। ओह गॉड। पूजा ये क्या मजाक है? ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा ये भी। It is just a very horrible day. It's okay, पूजा। Yeah, it's okay. Relax. मैं पानी। नहीं, पानी नहीं चाहिए। मैं अभी आई। एक मिनट। कहाँ गई पूजा? शायद बाथरूम गई। पूजा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। तुम लोग जाओ। ठीक है हम जाते हैं, तुम आराम करो। यू रेस्ट। हाँ ठीक है। हाँ अचानक इसे क्या हुआ? पता नहीं। चल you
पूजा उठ जा, तेरी बारी है कॉफी बनाने की। पूजा 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 कहाँ चली गई? पूजा दीपा दीपा कहाँ चली गई दोनों? दीपा दीपा पूजा कहाँ है? पूजा अपने कमरे में होगी। नहीं है, शायद वो ही होगी। चल सुबह सुबह। ये रहा आपका एग्रीमेंट। ये क्या है? आप सच बताइए कि इस घर में आपने कुछ अजीब होते देखा क्या? नहीं, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर के बारे में पहले से कुछ बता देना चाहिए था। मैंने इस घर के बारे में कई कहानियां सुन रखी हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बता देना चाहिए था और कौन सी कहानियां? इस घर में पहले भी किसी की मौत हो चुकी है। इस घर के मकान मालिक के दामाद ऐसे ही सीढ़ियों से गिरकर मर गया था और उसकी मौत को लेकर लोगों से मैंने कई कहानियां सुन रखी हैं। अब ये कहानी सच्ची है झूठी है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर लोग कहते हैं कि उस स्टोर रूम से उसकी मौत का वास्ता है। और वो कैसे गिरा इसका ना तो कोई गवाह है ना कोई रिकॉर्ड। सुना है कि ये सारा पैसा मेरा सारा पैसा केक यहां कैसे? हाँ
माफ कर दो, गलती होगी मुझसे, मुझे छोड़ दो प्लीज। आज तक समझ में नहीं आया ये सब हुआ कैसे, पर सच तो ये है कि इस घर में मरने वाली आपकी दोस्त पहली इंसान नहीं है। अमन जी, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे, हम जल्द से जल्द यहां से शिफ्ट कर जाएंगे। ये पूजा की फेवरेट ड्रेस थी ना दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसे अचानक चली गई। दीपा, जब पूजा को खांसी हुई थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, कितनी बीमार लग रही थी ना वो। हाँ दीदी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसने अचानक जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया क्यों। पता नहीं, और वो इतनी रात अपने कमरे से बाहर कर क्या रही थी। ये बैग, दीदी ये बैग किसका है? पता नहीं, आराम से भारी है। इतना सारा पैसा? दीदी शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से पूजा ने अपना जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। ये तो किसी का एड्रेस है, शायद इतना सारा पैसा देखकर ही पूजा के रंग ढंग बदल गए थे। लेकिन ये पैसे हमारे नहीं हैं, हमारा इस पे कोई हक नहीं है, जिसके पैसे हमें उसे लौटा देने चाहिए। ये आप क्या बोल रही हैं दीदी, ये पैसा हमारे घर में हमें मिला है, तो ये किसी और का कैसे हो सकता है? ये हमारा पैसा नहीं है दीपा, ये हमारा ही है क्योंकि ये हमें मिला है, हमें थोड़ा ना किसी से छीना या कोई चोरी की है। दीपा इनाफ, जो सही है वो सही है, बेकार की बहस मत कर। मैं ये एड्रेस पर जाकर पता लगाती हूँ ये पैसा किसका है। और हाँ, इस बैग को अगर हाथ भी लगाया ना, समझी? जी कहिए। अंकल मेरा नाम रोहिणी है और मैं अपनी बहन और फ्रेंड के साथ आकाश विहार के बंगलो नंबर 3 पे रेंट पे रहती हूँ। अंकल उसके बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंदर आइए।
आइए बैठिए। जी अंकल मैं बैठूंगी नहीं। अंकल उस घर में शिफ्ट होते ही मेरी फ्रेंड की एक बड़े ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और मैंने ये भी सुना कि किसी और की डेथ हुई थी उस घर में, वैसे ही सीढ़ियों से गिरकर। और अंकल उस घर में मुझे एक पैसों से भरा हुआ बैग भी मिला जिसमें आपका ये एड्रेस था। अंकल आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ तो बताइए। हाँ, मेरी एक बेटी थी जिसे मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। माया नाम था उसका। गुड मॉर्निंग माया, तुम स्वेटर बहुत ही अच्छा बनाती हो। तुम्हारा बनाया हुआ स्वेटर मैं जरूर पहनूंगा। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। अरे हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मैं कमिन सर। कमिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है संजू, कुछ सिग्नेचर करवाने हैं? सर वो आपसे एक परमिशन चाहिए थी। परमिशन किस बात की? सर वो मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या मैं आपकी बेटी माया से शादी कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। What? अगर मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा मांग लिया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मुझे हमेशा से माया जी बहुत अच्छी लगती और आज बहुत हिम्मत करके मैं अपने दिल की बात बोल पाया। संजीव, यू आर माई वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? संजीव जी, लगता है आपने मुझे ध्यान से देखा नहीं। देखिए, मैं चल फिर नहीं सकती, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह मैं भी अपना कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकती। माया जी, मैंने आपको देख भी लिया और समझ भी लिया, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मैं आपको हर हाल में पसंद करता हूँ, और आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संजीव, तुम आज फिर पी कर आए हो, ये तुम्हारी रोज रोज की आदत बनती जा रही है। जस्ट शट अप। तुमने ना बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था, मुझ जैसे को तुम्हारे जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना तुमसे ढंग से बैठा जाता है, ना तुम अपने पांव पे खड़ी हो पाती। ये क्या ये सारा दिन ये स्वेटर बुनती रहती, बोझ हो तुम धरती पे, बोझ। मैं तो इंतजार में बैठा हूँ कि तुम कब मरोगी और मुझे कब सुकून मिलेगा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हेलो ससुर जी। अरे वो आपको बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपकी बेटी को डाइवोर्स दे रहा हूँ। क्यों? वो कह रहा है ना ससुर जी कि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे आपकी बेटी की देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। संजीव, शादी के बाद से तुम मुझसे कितने पैसे ले चुके हो, ये घर भी मैंने तुम्हें रहने के लिए दे दिया है, अब क्या करूं मैं? ससुर जी सिर्फ एक लास्ट बात, मेरे को एक बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़े अच्छे पैसों की जरूरत है, और फिर आप नहीं दोगे तो और कौन देगा? ठीक है संजीव, मेरे पास जो भी कुछ है बेचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर प्लीज मेरी बेटी माया के साथ बदसलूकी मत करो, उसे परेशान मत करो। चलो उनको विश कर देते। हाय माया, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू।
आइए आइए ससुर जी आइए, आप ही का इंतजार था। आइए आइए, अरे मेरा गिफ्ट लाइए, अब आएगा एनिवर्सरी बनाने का मजा। हाँ भाई केक लाओ यार, कहाँ केक शेक कहाँ है? अरे कम ऑन एवरीबॉडी, इट्स केक टाइम। संजीव, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए मेरे पापा ने अपना सब कुछ बेच दिया। तुम्हारी लालच की अब हद हो चुकी है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हो माया, और अब तो वैसे भी तुम्हारे बाप का सारा पैसा मेरे पास आ गया, तो फिर अब तुम्हारी क्या जरूरत? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे प्लीज। संजीव नहीं, नहीं संजीव प्लीज। रोहिणी किस्मत का खेल देखो, संजीव भी मेरी बेटी माया की तरह उसी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अंकल लालच बहुत ही बुरी बला है, ये सब सुन के लगता है कि शायद मेरी फ्रेंड पूजा भी संजीव की तरह पैसे देखकर लालच में पड़ गई। ये पैसा तो मेरा ही है, अभी से ले जाती हूँ, दीदी को बाद में मना लूंगी। एक मिनट। हाँ बोल दीपा। दीदी मुझे मार डालेगी। दीदी मुझे तो डर मत, मैं अभी आ रही हूँ। अंकल आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे लगता है आपकी बेटी माया वापस आ गई है। क्या? और अंकल आई एम वेरी श्योर कि उसी ने संजीव और पूजा दोनों को मारा है, और अब वो मेरी बहन को भी। अंकल आप ही उसे रोक सकते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। दीपा दीपा जल्दी तैयार हो जा, लेट हो रहा है। हेलो
दीपा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मूवर्स और पैकर्स को फोन कर दिया है, वो आने ही वाले होंगे। देखना दीपा हमारे लिए नया घर कितना अच्छा होगा। आकाश पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अरे ऐसे कैसे बता दूं भाई, यही तो मेरा सरप्राइज वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए। एंड आई एम श्योर कि मेरी सरप्राइज वाली जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। टू द एंड ऑफ द रोड एंड टर्न राइट राइट टू द एंड ऑफ द रोड एंड टर्न राइट। ये जीपीएस कुछ देर पहले बता रहा था कि हमें एकदम स्ट्रेट जाना है। राइट टू द एंड ऑफ द रोड एंड टर्न राइट राइट ओके। आकाश ये सड़क बहुत सुनसान है, मुझे लगता है कि जीपीएस ने हमें गलत गाइड किया है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये स्टीरियो अपने आप कैसे शुरू हो गया? आकाश ये आवाज बहुत अजीब है। आकाश प्लीज तुम गाड़ी घुमा लो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये रास्ता सही नहीं आकाश, प्लीज गाड़ी घुमा लो प्लीज। आकाश आकाश जल्दी प्लीज। ओके सुनिए
सोनिया का सब ठीक तो हो ना? और हम कहाँ हैं? सोनिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक फील कर रही हो? हाँ से एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, तुम गाड़ी से आगे कहीं दूर बेहोश पड़ी हुई थी, तुम वहां तक कैसे पहुंचे? आकाश, आकाश क्या तुमने किसी औरत को देखा था? औरत को? रात को हमारी गाड़ी के आगे कोई आया तो था, फिर हमारी गाड़ी गाड़ी पेड़ से टकराई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, और जब मुझे होश आया काफी ढूंढने के बाद मुझे किसी की मदद मिली, तब जाके हम यहां तक पहुंचे। तुम तब से बेहोशी थी। आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ डॉक्टर, आई होप शी इज फाइन नाउ। हाँ अब ये ठीक है, मैंने इनके लिए दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें सुबह शाम दे दीजिएगा। श्योर, थैंक यू, मैं चलता हूं। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां पहले आ चुकी हूं? क्यों चिल्ला रही है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ ये कौन सी जगह है आकाश? रिलैक्स सोनिया, यही तो मेरा सरप्राइज है। सरप्राइज? देखो है ना सुंदर जगह, मैंने आज शेरगढ़ में हम दोनों के लिए 4 नाइट की बुकिंग की है। शेरगढ़ है ना बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट। अपनी फैमिली के साथ पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ आकाश, 10 साल पहले, और यहाँ जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ था सोनिया जो तुम इस जगह को लेकर इतना परेशान हो रही हो? मेरे विकी भैया, आखिरी बार मैंने उन्हें यही देखा था 10 साल पहले। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए थे, चले गया वो। क्यों सोनिया की बच्ची मेरा पीछा क्यों कर रही थी? हाँ अरे भैया, होटल में मम्मी पापा के साथ बैठे बैठे बोर हो गई थी मैं, फिर सोचा कि मैं भी देखूं आप ऐसे छुपके छुपके कहाँ जाते हो। ये सीक्रेट एडवेंचर है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। है हिम्मत, चलेगी मेरे साथ? भैया कुछ होगा तो नहीं ना? अरे मेरी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, चल। और आकाश, किसी को पता भी नहीं है कि भैया के साथ क्या हुआ था, कि वो जिंदा भी है कि नहीं। I'm so sorry, सोनिया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं ले आता। कोई बात नहीं, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चलते हैं, ओके? ठीक तो? आपको चोट तो नहीं लगी? सोनिया, सोनिया तुम आखिर तुम आ ही गई, बहुत अच्छा किया।
10 साल से तड़प रहा है, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुमने बहुत देर कर दी बेटा, अब आ गई हो, अब और देर मत करना बेटा। कौन हो आप? आप मेरा नाम कैसे जानते हो और किसकी बात कर रहे हैं आप? 10 साल से कौन मेरा इंतजार कर रहा है? मुझे पता था कि तुम जरूर बचा लोगे उसे। अब क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ सुनिया, सुनिया हमें कोई बकवास नहीं सुनी है। नहीं, चलो यहाँ से। एक मिनट प्लीज, आप एक मिनट कुछ नहीं। सोनिया हमें कोई बकवास नहीं सुन रही, ये बकवास कर रहे हैं। ओके चलो आओ। सोनिया रुक जाओ, सोनिया मत जा, सोनिया उसे छोड़ के मत जा, सोनिया सोनिया मत जाओ, सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सोनिया रुक जाओ। आकाश वो आदमी देख नहीं सकता, फिर उसने मुझे कैसे पहचाना? और वो किसी की बात कर रहा था। विकी भैया की? और उसने ऐसा क्यों बोला कि 10 साल से वो तड़प रहा है? आकाश क्या विकी भैया अभी भी जिंदा है? Come on, सोनिया मुझे लगता है उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अरे कुछ भी बोल रहा था वो, तुम प्लीज उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और खुद को देखो। सोनिया तुम कितनी वीक लग रही हो और रात से तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया। एक काम करते हैं, पहले हम कुछ खाते हैं और बाकी बातें बाद में। सोनिया एक बात पूछूं, तुमने आज तक अपने भाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद ही उन यादों से भागने की बहुत कोशिश कर रही थी आकाश। उस सदमे को भुलाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं थेरेपिस्ट के पास भी जाने लगी थी। सोनिया आई एम सॉरी वंस अगेन, मेरी वजह से तुम्हें इस दर्द को फिर से झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। नहीं आकाश, इस दर्द का सामना किए बिना कुछ खत्म नहीं होगा। I will have to face everything. वरना ये सारी यादें मेरा पीछा करती रहेगी हमेशा। देखो सोनिया मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ, पर ये जो पुरानी यादें हैं इनसे कोई फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें इन यादों को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। You're right. मैं वॉशरूम से आती हूँ। Okay. ये सब क्या हो रहा है? सोनिया मुझे याद है ना कि थेरेपिस्ट ने क्या कहा था कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ पर विकी भैया ने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसका मतलब जब वो गायब हो गए तो मैं उनके साथ थी, तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं मुझे अचानक से चिल्लाने लगी और भागकर बाहर चली गई। आकाश आकाश यही औरत थी, प्लीज बिलीव मी, शी वाज। सुनिए सुनिए सुनिए, प्लीज
इस काम को रोको। हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। सोनिया, जब से हम शेरगढ़ आए हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है, बट डोंट वरी, हम जल्दी यहां से बाहर होंगे। गाड़ी रोको! विक्की भैया, विक्की भैया, विक्की भैया कहाँ हो तुम? विक्की भैया, विक्की भैया कहाँ हो तुम? विक्की भैया, विक्की भैया, और इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह अच्छी नहीं है, बहुत खतरा है यहाँ, जाओ यहाँ से, जाओ। सुनिए, सुनिए, उठो, सुनिए, आर यू ओके? हाँ, तुम इस तरह वहां से भागी क्यों आई? जब तक मुझे पता नहीं चलता कि विक्की भैया के साथ क्या हुआ था, मैं शेरगढ़ छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये पता लगाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। पर सोनिया, और ये सब पता लगाने के लिए मुझे उस वक्त की सारी बातें याद करनी होगी आकाश, चाहे वो बातें कितनी दर्दनाक क्यों ना हो। और आकाश, मुझे अंदाज़ भी था ना, जो रिसोर्ट के बाहर हमें मिला था, मैं उसे पहले मिल चुकी हूँ आकाश, अब वही हमारी मदद कर सकता है। चलो हम उसके पास जाते हैं, प्लीज। ओके ओके, जस्ट काम डाउन, चलते हैं, आओ मेरे साथ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना और तुम्हारी भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाना ये पहले से निश्चित था। क्या आप जानते हो कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? मैं इस दुनिया के अलावा उस दूसरी दुनिया से भी जुड़ सकता हूँ, जो आत्माएं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में झूल रही हैं, मैं उनको महसूस कर सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ। मैंने एक आवाज को चीखते हुए रोते हुए सुना, वो किसी और की आत्मा नहीं थी, वो तुम्हारे भाई की आत्मा थी, जो इस दुनिया में मुक्ति चाहती, कैद होकर रह गई है और अपनी मुक्ति के लिए फरियाद कर रही है। इसका मतलब है कि विक्की भैया, हाँ बेटा, वो मर चुका है। लेकिन उसकी आत्मा तड़प रही है और तुम उसकी आत्मा को शांति दे सकती हो, उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन मैं जानती नहीं उस दिन क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। क्या तुम ये दर्द सहने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक, बैठ जा। अब अपनी आंखें बंद करो, अब तुम अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तुम लोग कहां गए थे, क्या हुआ वहां, सब कुछ देखो।
अरे सोनिया डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम ये चैलेंज जीत कर रहेंगे, ठीक है? चल बहुत डर लग रहा, ये घर बहुत अजीब और डरावना। डरो नहीं, मैं हूं ना। शेरगढ़ में रहने वाली माया नाम की लड़की भी हमारे साथ थी, उसी ने हमें वो भयानक घर दिखाया था। हमारी जान बचाने के लिए इक्की भैया ने अपनी जान दी थी, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? सुनिए, मुझे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें तो सदमे की वजह से कुछ याद नहीं था, पर माया, माया को तो विकी के बारे में पता था ना, फिर उसने विकी के बारे में क्यों नहीं बताया कि उसे क्या हुआ था?
इस बात का जवाब हमें माया के घर से ही मिल सकता है। माया, माया जी, जी कहिए जी। माया कहाँ है? मुझे माया से मिलना है, प्लीज उसको जल्दी से बुला दीजिए। माया बेटी जी, वो अब नहीं रही। 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में वो सब कुछ छोड़कर चली गई। क्या? दिमागी बीमारी हो गई थी बिटिया को, हर समय उदास कुछ सोचती रहती थी। शायद उसे इस बात का गिल्ट हो रहा होगा कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो विकी को एक खतरनाक जगह पर ले गई थी। गोद ली हुई लड़की थी, उसको हर समय डर रहता था कि कहीं उसे घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। उसने अगर ऐसा कुछ किया था जिससे साहब मेम साहब की शेरगढ़ शहर में बदनामी होती, इसलिए शायद उसने सबसे ये बात छुपाई होगी। ये कौन है? यही तो माया बिटिया है। या? आकाश, आकाश, उस रात मैंने इसी लड़की को जंगल में देखा था, इसी के बारे में पूछ रही थी तुमसे। इसका मतलब है कि माया कुछ कहना चाह रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी। क्या हम उसका कमरा देख सकते हैं प्लीज? जी आइए मेरे साथ। चलो आकाश आइए। ये है उसका कमरा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ? क्या है? मैं इस गिल्ट के साथ अब और नहीं जी सकती। मैंने इतनी बड़ी सच्चाई किसी से भी नहीं कही कि विकी को उस रात मैं वहां लेकर गई थी। मैं ये सच सबको बताकर थोड़ा प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये रहा वो भयानक घर जहाँ उस रात मैं विकी को लेकर आई थी। ट्यूशन पढ़ाती थी, वो बहुत गुस्से वाली औरत थी, बच्चों को डांटती मारती थी, डरा कर रखती थी। इन सब बातों की खबर जब पेरेंट्स को लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को अनामिका के पास पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया और वो इससे बहुत परेशान रहने लगी थी। बहुत दिन तक तो उसका कुछ पता नहीं चला, फिर एक दिन अचानक खबर आई कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और मरने के बाद उसने सबसे बदला दिया और उसी बदले का शिकार हुआ विक्की। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहूं। कैसे सोनिया? हाँ, मैंने सुना था अनामिका का खुद का परिवार भी था और एक बेटा भी था। परिवार? शायद वहीं से कोई रास्ता मिल जाए। मुश्किल से हमने आपका घर ढूंढा अजय। आप अपनी माँ का ये वीडियो देख लेंगे तो हमारे यहाँ आने का मकसद आप खुद समझ जाएंगे। प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए। प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए। प्लीज
मैं क्या बोलूं, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स अलग हुए। डैड ने बताया था कि माँ की मानसिक हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी कस्टडी उन्हें मिली। शायद अपने बेटे से दूर होने की वजह से अनामिका को बहुत बड़ा धक्का लगा, इसलिए जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी उन्हीं के साथ रहने में उसे सुकून मिलता। और शायद ये भी हो सकता है कि जब उन बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें अनामिका के पास जाने से मना किया होगा तो ये बात अनामिका से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई होगी। इसलिए मरने के बाद भी जो भी उस घर में कोई आता वो उसे वापस नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि बेटा और सब कुछ खो देने के बाद भी उसे अकेलापन सालता, कोई भी उसके साथ रहता तो उसे अच्छा लगता, वो किसी से दूर नहीं रहना चाहती थी। और डैड ने मुझे कभी होम से मिलने ही नहीं दिया। इसी दुख और गुस्से ने अनामिका को इतना शक्तिशाली और बुरा बना दिया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। अगर आज उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा। हाँ अजय, तुम रोक सकते हो। अजय प्लीज हमारी मदद करो, मेरे भाई और आपकी माँ की आत्मा को शांति सिर्फ आप ही दे सकते हो, प्लीज। बेटा ये माया है, माया। घबराओ मत सोनिया, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे भाई विकी की जान चली गई, मैंने डर के मारे किसी को ये सच्चाई नहीं बताई, बता देती तो सब मुझे ही सजा देते। मुझे माफ कर दो सोनिया, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का दिया हुआ बलिदान याद दिलाना चाहती थी, इसलिए उस दिन तुम्हें जंगल में विकी बन के दिखी थी। मुझे माफ कर दो सोनिया। मैंने तुम्हें माफ किया, अब मुझे शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। वो रहा वो घर जहां विकी की आत्मा कैद है। अब हमें अनामिका के घर के अंदर जाना होगा। मियां आपने हमारी बहुत मदद की है, हम आपकी जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। आप बस इतना बता दीजिए कि हमें अंदर जाके क्या करना है। उस घर में तुम्हें कुछ बच्चों के कंकाल मौजूद मिलेंगे जिनकी आत्माएं वहां कैद हैं। उन सारे कंकालों को तुम्हें ढूंढ करके जलाना होगा, उसके बाद ही शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और वो आजाद हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। अजय, हमें जल्दी से बच्चों के कंकाल ढूंढने होंगे, और अगर अनामिका आ गई तो तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना है। हटो! आकाश तुम दोनों कंकाल ढूंढो, मैं विक्की भैया को ढूंढ के आती हूँ। आकाश जल्दी करो। हाँ अजय।
सोनिया। की भैया सोनिया तुम यहाँ क्यों आई? वो किसी को नहीं छोड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो मेरी बहन। विकी भैया उस रात को भी आपने अपनी जान दे दी और हमारी जान बचाई। मैं आपको और तड़पते हुए नहीं देख सकती, मैं आपको आजाद करने आई हूँ विकी भैया। सोनिया हम सब यूं ही यहाँ तड़पते रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आ गई सोनिया, भाग जाओ, मैंने कहा भाग जाओ। आकाश कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आकाश आकाश तुम ही कौन? आकाश उसे जलाओ, उसे जलाओ। माफ कर दो माँ, आपका बेटा अजय। माँ दौड़ाते हो मुझे। हाँ आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई। क्या है वो मम्मा? खोलो। ये क्या है? इसमें मम्मा की और अजय की फोटो है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? को छोड़ दो माँ, मैं चाहता हूँ आप इनको आजाद कर, आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए माँ। प्लीज माँ, प्लीज। सोनिया। विकी भैया मैं जा रहा हूं मेरी बहन। के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।